तो अच्छा इम्तियाज आपसे एक सवाल आपसे आप एक चुण सवाल पूछना है, है मुखसर जवाब चाहिए उसके बाद कमल शौजब साहिबा से भी हम उसका जवाब लेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी सबको मालूम है आ, कल इस पर भी होती रही है वही अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल और फिर अमरीकी अड्डों का एक मरतबा फिर से सवाल उठा वजी खारजा ने कैटेगोरिकली डिनई कर दिया चौधरी साहब ने भी आज कहा लेकिन आपको पता है ट्रस्ट डेफिसिट है क्योंकि माजी में जो हुआ वो भी हमारे सामने है की पसे पर्दा कुछ और चलता रहा और मंजर आम पर हक कुछ और थे तो आपको लगता है कि इस दफ़ा मामला कुछ मुख्तलिफ होगा और जो असल हक़ाइक होंगे वही आवाम और दीगर सियासी जमातों के सामने भी रखे जाएंगे देखिए अवल तो बात यह कि अगर कोई ये तो करता है कि दो हुकूमतों के दरमियान हर चीज़ जो है वो टेबल पर रख दी जाए वो दुनिया में कहीं नहीं होता दूसरी बात यह है कि अगर हमारे तमाम हुक्मरान तमाम क़्यादत जो है फौजी और सिविलियन वो ये कह रहे हैं कि इस पर तमाम अड्डे नहीं देंगे क्योंकि हम यहाँ पर दोबारा रिवाइवल नहीं चाहते एक्सट्रीमिस्ट वेव की या दहशत गर्दी की तो हमें अपनी हुकूमत पे अपने क़्यादत पे अतमाद करना चाहिए और ये बात द वे आ, चार हफ्ते पहले सी आई ए के चीफ़ आए थे यहाँ पर खुफ़िया दौरे पर आए इस्लामाबाद पूरा दिन उन्होंने गुजारा बड़ी मिन्तें तरले की उन्होंने कि हमें आप बेस इस्तेमाल करने दें लेकिन बड़े साफ तौर पर पिंडी में भी और यहाँ भी इस्लाम उनको जवाब दे दिया कि हम ये नहीं होने देंगे तो इस वक्त बेचारे अमरीकी जो हैं उनको जगह नहीं मिल रही कि वह अपना काउंटर टेर्रज़म मिशन कहाँ पर जो अफवाज देने देने। तो है वो कहा कि वक्त है आप समझती है कि अफगानिस्तान की बदलती पर जो भी फैसले हों उसमें तमाम सियासी पार्टियों को एतम जाए देखिये फॉरन पॉलिसी बड़ी वाइब्रेंट है आज भी वजी खारजा ने स्टेटमेंट दी है और बड़ा ओपनली बताया है ओपन एंड शर्ट क्लियर कट बता दिए कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है और अफगानिस्तान की जो पॉलिसी हो रही है जो डायलॉग हो रहा है जो प्रोग्रेस हो रही है वो सबके सामने है जहाँ तक ई की बात की और मैं इनको सेकेंड करूँगी कि ये मौरूसीत के लिफाफे में जो डेमोक्रेसी लपेट लपेट के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इससे बाहर आ जाएँ और जो कहा था पहले और जो लिख के दिया था तेईसवी शिक्क में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे अब उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें और नादरा के साथ जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी सिंक्रोनाइज करे और डिजिटल लिस्टें बनाए ताकि जो लोग फौत हो चुके हैं उनके नाम पे बीस बीस हजार वोट जाके ना डला करें और पहले से जो ठीक चले साहबा क्विकली हम बात कर रहे थे वही फौजी अड्डो वालों की तरफ से कैटेगोरिकली डिनाई किया गया है कैटेगोरिकली डिनाई किया गया है शाला रजा साहब बड़ा सेंसिटिव और अहम टॉपिक है आप जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है उस एक्सप्लेनेशन से मुतमिन है हुकूमत ने अभी तक अपनी कोई भी एक बात जो है उसको ऐसा नहीं साबित किया कि उस पे कोई मुतमिन हो जाए कश्मीर पे भी जो सारी काबिल तो सारी काबिल तो बयान दिया है जो सारी काबिल है जो कश्मीर में वजीर खारजा वजीर खारजा का हैव और हैव नॉट भी मुझे याद इंटरनेशनल फोरम पे जाके बात कर रहे थे कि भारत में आप कश्मीर पे आप क्या आपकी हुकूमत क्या कर सकते हैं बस आप ही अकलमंद हैं जब ही तो हमारे मिनिस्टर लेती है फाइनेंस में